यूपी को जिसने लूटा वो नेता तुम ही तो थे, जेपी के सपने तोड़ दे वो बेटा तुम ही तो थे। एक बार फिर से आके टोटी चुराइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। यूपी बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए एक वीडियो शेयर किया है। बीजेपी द्वारा इस वीडियो में दिखाया गया है कि यूपी के गुंडे चाहते हैं कि यहां पर फिर से अखिलेश यादव आ जाएं। यूपी बीजेपी के गाने के बोल हैं कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी वापस जलाइए, यूपी को जिसने लूटा वो नेता तुम ही तो थे, जेपी के सपने को तोड़ते वो बेटा तुम ही तो थे, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। नमस्कार दोस्तों, सूचना क्रांति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीलेंद्र। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए। यूपी बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही मानहानि का केस करने की भी धमकी दे डाली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक रस्साकसी होती रहती है। अब यूपी बीजेपी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर एक गाना जारी करते हुए निशाना साधा है। इस गाने में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समेत कई गुंडों और माफियाओं का जिक्र कर अखिलेश यादव का इनके साथ रिश्ता बताया है। यूपी बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो पर सपा नेताओं ने पलटवार किया। सपा नेता शिवपाल यादव के ट्विटर हैंडल से अखिलेश यादव के लिए गाना शेयर किया गया, जिसमें दिखाया गया कि जनता अखिलेश यादव को पुकार रही है। इस वीडियो के साथ शिवपाल यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए लिखा, भाजपा आज सड़क छाप गुंडों की भाषा की प्रतीक व किसी का भी चरित्र हनन करने वाली पाठशाला बन गई है। सपा की जड़ों में लोकतंत्र, समता और एकता के मूल्य बहुत गहरे हैं। तमाम जुल्मों और षड्यंत्रों के बावजूद हम उठ खड़े होंगे। वहीं सपा नेत्री जूही सिंह ने इस वीडियो पर कटाक्ष करते हुए लिखा, नेताजी अखिलेश जी को मानने जानने वाले असंख्य लोगों को गुंडा कहना अखिलेश जी की छवि को जानबूझकर हानि पहुंचाने का प्रयास, पूर्व मुख्य सचिव, अभिनेताओं आदि को दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर बदनाम करने के लिए एडिट किए वीडियो को शेयर करना एक गंभीर अपराध है। सपा नेता आईपी सिंह ने कमेंट किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद घृणित दुष्प्रचार का संज्ञान ले, बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, ट्विटर इंडिया ऐसे अकाउंट को तत्काल बंद करे, पुलिस से शिकायत का कोई मतलब नहीं रह गया है, जितने गुंडे माफिया हैं सबके सब बीजेपी RSS में हैं। दोस्तों, यूपी नगर निकाय चुनाव का रण अब गहरा होने लगा है। जब भाजपा की ओर से गाना जारी कर अखिलेश यादव के शासनकाल पर हमला बोला गया, गुंडे और माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही गई, तो अखिलेश यादव ने इस पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि गाने को जिसने पोस्ट किया और जो पहला हैंडल से उसको ट्वीट किया गया वह सवाल खड़े करता है। अखिलेश ने कहा कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यह गाना जारी किया गया है। महंगाई और बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, सफाई के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे लगे हुए हैं, आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। उन्होंने कहा कि वहां पर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वह हमारे नहीं हैं, वह सरकार के हैं, जिसकी जिम्मेदारी किस पर है। इस गाने को सुनकर सपा के समर्थक भी भड़क गए और भाजपा पर मानहानि का केस करने तक की चेतावनी दे डाली। अश्विनी यादव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, इसमें दिल्ली वाली कोमल शर्मा की भी फोटो है क्या। एक यूजर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री यादव अखिलेश जी के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है, इतनी निम्न स्तर की राजनीति। वहीं एक यूजर ने कहा कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ अन्य पार्टियों में रहे लोगों को टारगेट कर रही है, अपनी पार्टी के गुंडों को नहीं देखती है, ये लिस्ट देखिए। वहीं शैलेश सिंह सैलू नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि भाजपा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से सपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वीडियो के साथ जो अपमानजनक गीत व्यक्तिगत नाम लेकर पोस्ट किया है, न्यायालय तत्काल इस पर साक्ष्य का संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। सपा इस मामले में भाजपा के सभी उत्तरदायी लोगों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करेगी।
राहुल यादव नाम के एक यूजर ने लिखा, क्या समझ में आया दो पैसे की मानसिकता वाले लोग कैसे होते हैं। जो कृत बीजेपी पार्टी द्वारा किया जा रहा है वही मानसिकता दो पैसे वाली होती है। पुलवामा खुलासे के बाद भी एक हफ्ते से टीवी पर अतीक अहमद ही छाया है। न्यूज चैनल्स तो एक पैसे से भी कम वैल्यू वाले रह गए हैं। तो ये था पूरा मामला। अब आप क्या सोचते हैं इस मामले पर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी करें, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।